हेलो दोस्तों, आप सभी का दिन पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर ह्यूमन राइट्स के सेकंड बुक का 12th चैप्टर। ये 12A होने वाला है। ये चैप्टर सदियों से महिलाओं की स्थिति। इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं जो काफ़ी समय से, मतलब बहुत पुराने टाइम से जो स्टेटस रहा है महिलाओं का, स्टेटस क्या है, व्हाट्स द स्टेटस ऑफ वुमेन इन आर सोसाइटी। हम अपने समाज के अंदर में जो महिलाओं की स्थिति है या किस प्रकार की स्थिति थी, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट था, मैंने उसको भी बताया था कि ये लेसन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है, कंपेरेटिव क्वेश्चन आ जाता है कि आज की समाज से, मतलब जो इसका क्वेश्चन अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कैसा बनता है, तो क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि आज के समाज से पुराने जो समाज थे, मतलब पीढ़ियों में किस तरह का स्टेटस में अंतर आया है, ठीक है, महिलाओं की स्थिति में किस तरह से परिवर्तन आया। क्वेश्चन सिंपल से यही दे देता है कि महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन पर प्रकाश डालिए, बताइए किस तरह से परिवर्तन आया है। तो सीधा सा हमें क्या करना है, इसमें जो भी चेंजेस दिखे हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, वो सारे चेंजेस हमें बताने हैं, ठीक है। किस किस जगह पर, कौन सी जगह पर क्या चेंजेस आए हैं, वो देखेंगे। तो बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट मज़ेदार है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, सदियों से महिलाओं की स्थिति, 12th चैप्टर 12A, ठीक है। इसके अंदर में नॉर्मली हम बात करते हैं कि वास्तविक में महिला क्या है। तो आज के समय में जो हमारा समाज है, मतलब आज तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, बट आज से हम कुछ समय पहले पीछे जाते हैं, तो हमारा जो समाज है वो पितृसत्ता समाज है, ठीक है। पितृसत्ता समाज क्या होता है, क्या होता है, जिसमें पिता की सत्ता होती है या पुरुष की सत्ता होती है, जिसमें सिर्फ पुरुष की शक्ति दिखाई जाती है समाज में, जहाँ पर महिलाओं को शोषित किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है। ये वहाँ पे हमेशा महिला जो तबका है वो हमेशा दबाया जाता है। ये हमारे समाज की रीति थी या रीति है, जो भी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट क्या होती है, तो महिलाओं को पुराने समय में एक वस्तु के समान माना जाता था। वस्तु के समान मतलब कैसे, गुड्स मतलब वस्तु मतलब गुड्स, ठीक है। वस्तु के समान कैसे, कि कुछ भी चीज़ अगर करना है उन्हें जो बोल दिया जाए वो करेंगे। मतलब नॉर्मल सी उनको एक वस्तु के समान उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। मतलब किसी भी कार्य के लिए मैन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था महिलाओं के मुकाबले। आप यहाँ पे हमारे बुक के अंदर में, आपके बुक के अंदर में बोला गया है कि समाज में महिलाओं को व्यापक उपस्थिति अत्यधिक मूल्यवान सिद्ध होगी। मतलब प्रत्येक क्षेत्र में अगर महिलाएं हर क्षेत्र में वर्क करें, हर क्षेत्र में कार्य करें, तो उनकी जो उपस्थिति होगी ना, बहुत ज़्यादा मूल्यवान सिद्ध होगी, ऐसा माना गया। बट समाज में क्या इस तरह होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे समाज के अंदर में क्या किया गया, कार्य को बांट दिया गया है। जो वर्क हम करते हैं, वर्क को बांट दिया गया है। किस में बांटा गया है, वर्क बांट दिया गया तो ठीक है, पर किस में बांटा गया है, वर्क को लिंग के आधार पर बांट दिया गया है। लिंग के आधार पर किस प्रकार से, ये काम है, ये काम मैन का है, ये काम वुमेन का है, ये वाला काम मैन नहीं कर सकता है, ये वाला काम वुमेन नहीं कर सकती है। ऐसा अगर कोई लड़की मान लो चाहती है कि मैं पायलट बनूँ, तो उसके घर वाले क्या कहेंगे, नहीं यार ये तो काम नहीं है, आर्मी में जाना चाहती हूँ, डिफेंस में जाना चाहती हूँ, नहीं ये आपका काम नहीं है, बिजनेस करना चाहती हूँ, नहीं है आपका काम नहीं है। पर सेम टाइम पे एक आदमी कहे कि मुझे कुकिंग करना है, मुझे ब्यूटीशियन का कोर्स करना है, ठीक है, हेयर डिज़ाइनर बनना है, हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, तो वहाँ पे इन सब के लिए रोक होता है। आदमी को कहा जाएगा नहीं आपका काम नहीं है, और औरतों को कहा जाएगा, लड़कियों को कहा जाएगा, वुमेन्स को कहा जाएगा, ये आपका काम नहीं है। तो हमने क्या किया, कामों को भी बांट दिया लिंग के आधार पर, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई जाति की बात नहीं कही है, हमने यहाँ पे लिंग के आधार पर समाज को बांटा है, ठीक है। और जाति के आधार पे तो फिर भी चलता है दो मिनट के लिए, पर लिंग के आधार पे बटा हुआ समाज बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा उसका विकास करना बहुत असंभव हो जाता है, नाम मात्र का विकास होगा उसमें। तो अब देखो, काम के आधार पर हमने उसको बांट दिया, भाई कि ये वाला काम उसका, ये वाला काम उसका, तो विकास कहाँ से होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे बताया गया है कि कितना मूल्यवान चीज़ें हैं, मतलब किस तरह से मूल्यवान दिखाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे अलग अलग तरह से महिलाओं की, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग स्थिति में। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं इस टॉपिक में, विज्ञापन की दुनिया में महिलाओं की स्थिति। अगर हम बात करते हैं विज्ञापन, जो भी आते हैं एड्स आते हैं, एड्स की हम बात करें कि किस हिसाब से महिलाओं की वहाँ पर कंडीशन है, तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि महिलाओं को मतलब छोटे कपड़े, शॉर्ट कपड़े पहनाकर, ठीक है, वहाँ पे वस्तु को, जो चीज़ हमें बेचना है उसके बारे में कम दिखाता है, पर महिलाओं को एक आकर्षण का केंद्र मानकर, मतलब अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानकर वो वस्तु का एडवर्टीजमेंट करते हैं। आप देखोगे कई बार कार का एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, कार का एडवर्टीजमेंट है। कार के एडवर्टीजमेंट में क्या होगा, कार खड़ी है, कार के बगल में एक मस्त मतलब अच्छी सी दिखने वाली एक लड़की को खड़ा कर दिया छोटे कपड़ों में। तो अब लोगों का जो भी देख रहा है, ऐड को जो भी देख रहा है, जो भी पैम्पलेट देख रहा है, कहीं पे बोर्ड पे लगा हुआ है, कहीं भी लगा हुआ है, तो पहले आदमी की नज़र कार पे जाए ना जाए, पर उस लड़की पे जरूर जाता है, क्योंकि वो लड़की क्या है, कामुकता की सिंबल के तौर पर वर्क कर रही है वहाँ पे,
ठीक है, एक तरह से वो दिखाता है उसकी बॉडी से मतलब सुंदरता, वो वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं उसकी, जिसके कारण से अट्रैक्शन ऑफ कार वहाँ पे बिकता है, या फिर जो भी उनको जिसकी मैंटेलिटी ऐसी है लोगों की कि अगर सुंदर लड़की को रखेंगे तो कार बिकेगा। वहाँ पे लड़की का क्या काम, मेन चीज़ ये सोचना चाहिए, ये चीज़ें रहनी चाहिए। सेम कई जगह पे आप देखोगे कि कुछ भी चीज़ का ऐड है आपके समाज, हमारे समाज में किसी भी तरह का ऐड है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, महिलाओं को यूज़ किया जाता है एक समान वस्तु के तौर पर, यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे कई जगह पे आपके मतलब जो बुक है उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे वहाँ पे आप देखा होगा, आपने न्यूज़ आप पेपर उठा लो, न्यूज़ पेपर उठा लो, वहाँ पे आपने शादी का एक ऐड आते हैं, शादी का एक ऐड वाला अलग से कॉलम होता है जहाँ पे विज्ञापन दी जाती है, तो वहाँ पे देखोगे कि हर शादी के कॉलम में क्या लिखा होता है, सुंदर लड़की चाहिए, ऐसा करके एक ऐड लिखा होता है ना, सुंदर लड़की चाहिए। सेम यही चीज़ हमारे जो विज्ञापन है वो भी अपनाती है, वो सुंदर लड़कियों पर ज़्यादा गौर किया जाता है। आपने कभी देखा है क्या, किसी चीज़ का ऐड आ रहा हो, किसी बिल्डिंग, किसी मकान, किसी प्रोडक्ट का ऐड आ रहा हो, तो वहाँ पर कोई बदसूरत सी लड़की खड़ी हो, ठीक है, काली सी लड़की खड़ी हो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उनका भी मानना है कि अगर कोई लड़की अच्छी सुंदर सी होगी तो लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, लड़की की तरफ अट्रैक्ट होकर प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ऐसा माना जाता है। कोई मान लो ब्यूटी क्रीम है, ठीक है, कॉस्मेटिक कंपनी है, तो कॉस्मेटिक कंपनी किस लोगों किन लोगों को टारगेट करती है, तो कॉस्मेटिक कंपनी सबसे पहले तो अपने मॉडल को जो जिसको चुनती है वो सोचती है कि वो सबसे साफ हो, सबसे सुंदर हो, खूबसूरत हो, जिससे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। और वो अपना एग्जाम्पल किसको बनाती है, जो उसकी तरह नहीं है, उसके मॉडल की तरह नहीं है, मतलब वो काले से हो, थोड़े कम खूबसूरत हो उनको, ठीक है, जिससे उनको कहती है, लोगों के सामने ही प्रस्तुत करती है कि देखो ये जो काला सा बंदा था या लड़की थी, इसके ऊपर वो क्रीम वर्क नहीं कर रहा, ये ऐसे इतने सालों से ऐसे भटक रहे हैं, इसने जैसे यूज़ किया तो इसके बाद इस तरह की बन जानी है, ठीक है, इस तरह की तरह बन जाएगी। आपने देखा वो फेयर लवली का ऐड आता है, उसमें क्या होता है, एक लड़की होती है वो बाइक से आई तो कपड़ा ढका होता है मुंह से, कहते हैं कि अपना बचा नहीं पाई, क्रीम पता नहीं व्हाट्सो एवर उस तरह का जो है। दूसरी जो लड़की होती है मॉडल होती है वो कहती है कि हाँ मैंने अपना बचाया, तो किस तरह से वो क्रीम का ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे दिखाता है एक लड़की को ज़्यादा सुंदर एक को कम, तो वहाँ पे कंपैरेटिव इस तरह से दिखाता है। तो वहाँ पे वस्तु के तौर पर लड़की को यूज़ करते हैं, जबकि उनको प्रोडक्ट बेचना, अपना जो प्रोडक्ट की खासियत है वो बताओ बस, ठीक है, उस तरह से कंपैरेटिव करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से मेंटेलिटी सेट करने के लिए लोगों में कि हाँ ये चीज़ अच्छा है ये खराब है, इस कारण से ऐसा किया जाता है, ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे एक ऐड के बारे में बताया गया आपके बुक में, जहाँ पे बोला जाता है कि एक लड़की जॉब पाना चाहती है, कामयाब नहीं हो पाती जॉब पाने में, ठीक है, तो उसको क्या होता है कि पहले ब्यूटी क्रीम मतलब जॉब नहीं मिलता है, कई जगह जाते इंटरव्यू देती है जॉब नहीं मिलता, तो वो क्या करती है एक ब्यूटी क्रीम लगाती है, ठीक है, वो सुंदर हो जाती है 2 सप्ताह में, 2-3 सप्ताह में सुंदर हो जाती है, सुंदर होने के बाद वो जाती है कंपनी में, उसको जॉब मिल जाता है। तो यहाँ पे ये भी दर्शाया गया महिलाओं के प्रति कि अगर आप सुंदर हो तो जॉब मिलेगा, ठीक है, ये अगर जो क्या सुंदर है उसको जॉब नहीं मिलेगा, यहाँ पे जॉब आपके सुंदरता पे नहीं मिलती है, आपकी काबिलियत पे मिलती है, ठीक है, पहली चीज़ ये होनी चाहिए हमारे माइंड में। तो ये इस तरह से आपके बुक में कंपेरेटिव किया गया है, ठीक है। आगे हम बात करने वाले आपके यहाँ पे भारतीय सिनेमा के पत्रकारिता, जो पत्र जो मतलब प्रेस होता है, ठीक है, आपने देखा होगा जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं महिलाएं, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के मतलब द्वारा और NSG के द्वारा कई तरह के ना सर्वे हुए, ठीक है, सर्वे हुए, जिसके थ्रू तहत ये पता चला कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग मतलब पत्रकारिता है, जो महिला पत्रकारिता है जो प्रेस करती है, ठीक है, आपने टीवी पर रिपोर्टर्स देखे होंगे सारे जो वुमेन्स हैं, उसमें एक देखा गया कि महिलाओं की संख्या बहुत कम है। महिलाओं की संख्या कम होने का कारण क्या है कि महिलाओं को उतनी ज़्यादा देर तक काम करने नहीं दिया जाता, देर तक मतलब जैसे एज है, एक लिमिट एज है कि भाई पुरुष पूरे टाइम तक काम कर सकता है क्योंकि वो हमेशा जवान ही रहता है, ऐसा लोगों का मानना है, पर महिलाओं की शादी होने से तक ही काम कर सकते हैं, शादी के बाद बहुत कम को चांस मिलता है एंकरिंग करने का, जो भी चीज़ें हैं ये, ठीक है, उस तरह से चीज़ें देखी जाती हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये भी देखी जाने लगी कि महिलाएं पुरुष किसी भी जगह जाके किसी भी तरह के उसमें फिट हो सकते हैं पर महिलाएं नहीं, ठीक है, महिलाओं को एक मतलब ना मॉडल के तौर पे ही देखा गया, उनकी सुंदरता है ये सब चीज़ें हैं, तो उस मतलब अलग अलग तरह पे पैमाने पर नापा जाने लगा महिलाओं को। यहाँ पे बताया गया कि अगर वहाँ किसी जगह पे मतलब पूरे इंडस्ट्री में सिर्फ 35% महिलाएं ही काम करती हैं पूरे इंडस्ट्री में, पूरे मतलब ये प्रेस इंडस्ट्री जितनी भी है, ठीक है, इसमें पूरी तरह से 35% महिलाएं ही काम करती हैं बस, तो इनकी संख्या धीरे धीरे कम है, बहुत कम है। कारण क्या होता है कि यौन उत्पीड़न जैसे इन वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, यौन उत्पीड़न हो गया,
ऑफिस में किसी तरह से उनका शोषण होना, ठीक है, स्टाफ में प्रमोशन के लिए भी पंगा होता है, क्योंकि लोगों का लग रहा होता है अगर किसी औरत का प्रमोशन हुआ तो लोगों को लगता है कि अपनी कामुकता दिखाकर प्रमोशन लिया होगा, इसने किसी तरह से इंप्रेस करके, कामुकता तौर पे इंप्रेस करके प्रमोशन मिला होगा, लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है। तो ये भी आपकी बुक में बताया गया है, ठीक है। अगर हम आगे हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं लड़की और महिलाओं के मीडिया का चित्रांकन। अब मीडिया किस तरह से लड़कियों का चित्रांकन करती है वो देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मीडिया का भी रोल देखते हैं कि वो किस तरह से चित्रांकन करती है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक मीडिया का रोल दिखाता है कि वो लड़कियों को किस तरह से, तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो अगर किसी भी चीज़ को बेचना है तो वहाँ पे महिला क्या एक कामुकता का केंद्र मानी जाती है। कामुकता मतलब जहाँ पे सेक्सुअलिटी को बढ़ाया जाता है, या फिर अट्रैक्शन ऑफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है, सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उसको देखने के बाद ना लोग अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसा तो महिलाओं को माना गया। तो उसके कारण से क्या होता है कि हर जगह किसी भी तरह की कोई ऐड हो, किसी भी तरह की कुछ चीज़ को बेचना हो, तो एक आशा के तौर पर, मतलब एक वो होप के तौर पर महिलाओं को देखा जाता है कि अगर ये इसमें वर्क करेंगी तो जल्दी बिकेगा। आप किसी भी लॉन्च में चले जाओ, किसी भी होटल में चले जाओ, ठीक है, कहीं पर भी आप देखोगे क्या कि आप बस सूरत लड़की को रख रखे हो आपके रिसेप्शन पे, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए वर्क किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरह से महिलाओं का मीडिया में चित्रांकन होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो बाल से मतलब बच्चों से ही, शुरू से ही एज में ना, शुरुआती एज से ही ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। यहाँ पे नारी प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फेमिनिस्ट के बारे में कि किस तरह से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी नारियों का ना बढ़ रहा है, जैसे साइबर, यहाँ पे एक नया वर्ड आ जाता है साइबर फेमिनिज्म। साइबर फेमिनिज्म मतलब क्या होता है, तकनीकी या फिर जो कंप्यूटर युग में, इस आधुनिक युग में भी किसी भी चीज़ को बेचने खरीदने के लिए महिलाओं का दबदबा धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, उस क्षेत्र में महिलाओं का जानकारी बढ़ रही है, धीरे धीरे उनके साथ में हाथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने के लिए बन रहे, ठीक है। पर पहले के समय में इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, बिल्कुल भी नहीं होती थी, तो ये कुछ नया यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। आगे यहाँ पे एक टॉपिक आता है आपका टेलीविज़न पर महिलाओं का चित्रांकन। अब टेलीविज़न की बात करो तो 1970 के दशक से लेकर अभी तक काफ़ी बदलाव हुआ है, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो टेलीविज़न पे सीरियल्स आया करती थी वो पूरी तरह से महिला, मतलब उस पर शोषित होती थी कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना, ठीक है, डोमिनेट करना, महिलाओं को हमेशा शोषित करना, ये सारी चीज़ें होती थी, पुरुष प्रधान सीरियल हुआ करते थे। पर आज के समय में अगर आते हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ो, तो टीवी सीरियल के अंदर में आप क्या देखोगे कि जो नए नए चैनल्स हैं, चाहे जी न्यूज़ हो, चाहे सोनी हो, चाहे मैक्स हो, जो भी मतलब ये सारी चैनल्स हैं, स्टार प्लस है, तो ये चैनलों के बारे में बताया गया कि उसमें किस तरह से कितनी प्रतिशत महिलाएँ काम करती हैं, ठीक है, और किस तरह से दिखाया जाता है। तो वहाँ पर आज के इमेज क्या है महिलाओं की टीवी सीरियल में, कि जो पुरुष है, मेल है, वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए नए कपड़े पहनता है, नए परिधान पहनता है, ठीक है, बट वहीं पर फीमेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, ट्रेडिशनल्स दिखाया जाता है। आप किसी भी शो को ले लो, आप स्टार प्लस चाहे जी न्यूज़, किसी जी जी किसी भी शो को ले लो, किसी भी सीरियल को ले लो, वहाँ पे आप ये देखोगे कि जो मेल है, जो पुरुष है, वो एक नया आधुनिक कपड़े पहन के घूम रहे हैं, पर जो महिलाएं हैं वो ट्रेडिशनल कपड़े पे फोकस किया जाता है, क्योंकि एक संस्कारिक तौर पर उन्हें दर्शाया जा रहा है। जो प्राइम टाइम होता है उसके अंदर में जितनी भी महिलाएं काम करती हैं, ठीक है, आज के समय में पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इस क्षेत्र में स्पेशली, ठीक है। भले ही सेंटर बिंदु यही माना जाता है कि हाँ, जो महिलाएं हैं वो अगर उस सीरियल में काम करेंगी, तो फिर भी कितना भी महिलाओं को ट्रेडिशनल दिखाया जाए, कुछ भी दिखाया जाए, फिर भी उनको एक पुरुष प्रधानी मतलब दे अंदर ही रहना पड़ता है, फिर से सत्ता के अंदर ही काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो महिला होती है उसको हर चीज़ के लिए आज्ञा जो लेना पड़ता है एक पुरुष से ही लेना पड़ता है, अपने उस सीरियल में, उस कैरेक्टर में, ठीक है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पे मानना है, टेलीविज़न जो है उनका मानना है कि टेलीविज़न भावनाओं के ध्यान केंद्रित करता है, ना कि करियर पे, ठीक है। पहली चीज़, टेलीविज़न हमेशा भावनाओं को ध्यान केंद्रित करता है, जो लोगों को चाहिए उसके बारे में बात करता है, ना कि जो रियलिटी उसको दिखाए। हमेशा टेलीविज़न वो बेचना चाहता है जो लोगों को भावना से खेल सके, मतलब भावना जो है लोगों की है। अगर कोई क्रीम है तो क्रीम मान लो एक क्रीम वाला बेचने वाला क्रीम बेचने वाला है, अगर वो बात करे कि भाई मैं सुंदर हूँ, इस क्रीम को लगाओ और सुंदर हो जाओ, तो वो बोलेगा यार क्या फ़ायदा, वो तो पहले से सुंदर था, ठीक है, पहले से सुंदर था। आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसी काली लड़की के ऊपर बताना पड़ेगा कि देखो ये काली लड़की ने लगाया, अब ये गोरी हो गई, ठीक है, इस मोटी ने खाया ये पतली हो गई, ठीक है, इस मोटे ने खाया ऐसा हो गया, ठीक है, इस ये सूखा सा लड़का था और इसने ये वाला प्रोडक्ट खाया, इसके बाद ये मोटा हो गया या हट्टा कट्ठा हो गया। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट देखना पड़ेगा। अगर एक हट्टे कट्टे को बोलोगे कि मैं खाकर हो गया, तो वो मानेगा नहीं ना, लोग मानेंगे नहीं, समझ रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं टेलीविज़न के अंदर में।
आगे देखोगे तो भारत के केवल केवल टेलीविज़न द्वारा महिलाओं की स्थिति, अगर आज के समय हम केवल टेलीविज़न द्वारा देखें महिलाओं की स्थिति, तो किस तरह से चेंजेस यहाँ पे दिखती हैं कि पहले के टाइम पे उतनी ज़्यादा लोगों तक वो नहीं था, माध्यम नहीं था कि देख सके या कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी हो, पर आज के समय में हमारा माध्यम धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम उसके कारण से क्या है, हम लोगों तक जल्दी इजिली पहुँच सकते हैं, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, महिलाओं के ना टीवी देखने के कारण क्या हुआ कि जो अट्रैक्शन हुआ, लोगों से जुड़ाव हुआ वो ज़्यादा हुआ, जिसमें 6 से 10 वर्ष की आयु की लड़कियां भी मतलब स्कूल दाखिला के लिए इंस्पायर हुई टीवी देखकर, क्योंकि टेलीविज़न में अलग अलग तरह के जो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जिस तरह का उनका मूवमेंट होता है, उससे वो सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। साथ साथ उसमें ये पाया गया कि जो महिलाओं में प्रजनन दर था, प्रजनन दर जो बच्चा पैदा करने में दर वो आती है, दर होता है, वो उसमें कमी आई, वार्षिक दर में कमी आई। वार्षिक दर में कमी किस प्रकार से हो सकती है, अब ये देखें तो जैसे मान लो कोई टेलीविज़न शो चल रहा है जिसके अंदर में ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो पूरी प्लानिंग के साथ बच्चे को नियोजित करते हैं, पहले फैमिली प्लानिंग किस तरह से करते हैं, अगर कोई लड़की कोई वूमेन वो देखेगी तो वो भी अपने के लिए सोचेगी कि मैं भी इसी तरह से प्लानिंग करूंगी तो मैं भी इतना अच्छा कर सकती हूँ। 10 लोग देखे तो 10 में से 4 तो होंगे जो इस तरह से प्लानिंग करेंगे ही, बाकी भले 6 पे असर ना पड़े पर 4 पे तो पड़ेगा, तो 4 तो सुधर गए। तो इस तरह की चीज़ें भी देखने के लिए मिली जिसमें प्रजनन दर में कमी आई है, जो बच्चा पैदा करने की दर थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है, ठीक है। अगर आप भारतीय सिनेमा की बात करो तो भारतीय सिनेमा के अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जो 50 से 60 के दशक में विमल राय, गुरुदत्त, महबूब खान, राज कपूर जैसे फिल्म निर्माता थे, उन्होंने मदर इंडिया, प्यास और कागज़ के फूल, मधुमती, इस तरह की फिल्में करी जिसके कारण ना महिला जिसमें महिलाओं की स्थिति को दिखाया गया, ठीक है। चाहे आप मदर इंडिया की बात करो, एक मदर वहाँ पे महिलाओं की स्थिति उभार कर लाता है कि कितनी गरीब, कितनी मतलब प्रॉब्लम्स के बाद भी एक महिला उभर कर आती है और अपने घर को संभालती है, चलाती है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, ठीक है, समझ में आता है। आज के समय में भी दीप मेहता, मीरा नैयर, ठीक है, मेघना गुलजार, ये सब ऐसे ऐसे निर्देशक हैं जिन्होंने कई तरह की फिल्मों में वर्क कर रहे हैं और बताते हैं कि कितना है, ठीक है। एक फिल्म की बात करें तो चक दे इंडिया, जो शाहरुख खान की फिल्म थी, चक दे इंडिया हॉकी के ऊपर बेस्ड थी, तो लोग कहते हैं ये स्पोर्ट फिल्म थी, पर शाहरुख खान का मानना था कि ये स्पोर्ट फिल्म नहीं है, इस महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर बात की जा रही है यहाँ पे, ना कि स्पोर्ट्स मूवी है, ठीक है। वहाँ पर महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बात की गई, ठीक है, समझ में आता है। आगे हमारे ना इसके अंदर में कई सारे फिल्मों का एग्जाम्पल भी लिया गया है, जिसमें बहुत सारी फिल्मों के बारे में बताया गया कि किस तरह से फिल्म आज के समय हमारे समाज में वर्क करती है, जैसे अछूत कन्या, ठीक है, विमल राय द्वारा बनाई गई मतलब चटर्जी की कुछ कई सारी फिल्में हैं जिसमें महिलाओं की शक्ति के बारे में बात किया गया, गुड़िया, अभिमान, निजी, खूबसूरत, ठीक है, अ स्टार इज बॉर्न, अभिमान एक ऐसी मतलब फिल्म था, अहंकार, महिलाओं के अहंकार को दिखाना कि महिला मतलब पुरुषों के अहंकार को तोड़ते हुए दिखाना कि किस तरह से तोड़ रहे हैं, किस तरह से आप एक अकेले पूरी मूवी को संभाल रहे हैं। नॉर्मली हमारे मूवी इंडस्ट्री की एक मेंटेलिटी क्या थी कि अगर किसी मूवी को सुपरहिट करना है तो वहाँ पे एक सुपरस्टार को कास्ट करना पड़ेगा, एक मेल को डोमिनेट मतलब मेल डोमिनेशन मूवी बनानी पड़ेगी जहाँ पे मेल डोमिनेट करे किसी वुमेन को। बट आज के समय में क्या है, कई सारी मूवियाँ जो अच्छी खासी अवार्ड भी जीती है, अवार्ड विनिंग मूवी होती है, जिसमें महिलाओं के करेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है पुरुषों के मुकाबले, ठीक है, जो पूरी तरह से लीड रोल में महिलाएं नजर आती हैं और वो बहुत अच्छा कमाई भी करती है, बहुत अच्छा करती भी, आप सब बहुत अच्छे से जानते हो अगर मूवी देखने के शौकीन हो तो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, तो शुरुआत में मैंने जैसे कि आज इस चैप्टर का नॉर्मली ये थीम ही था कि महिलाओं की मतलब सदियों से जो किस तरह से दबाव रहा है या किस तरह से स्थिति रही, सदियों से स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में हमने बात किया। तो पहले हमने शुरुआत में बात किया कि किस तरह से विज्ञापन में महिलाओं को यूज़ किया जाता था, अब धीरे 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 चेंजेस आए हैं। तो अगर पूछा जाए ना तो सदियों से महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी, ठीक है, क्या परिवर्तन आया स्थिति में, तो आप ये पूरा चीज़ें बताओगे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है, अगर कुछ भी ऐसा है चीज़ें तो आप कमेंट करके बताएं। और आपसे आप हमसे दोस्तों फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, ट्विटर, कहीं भी हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है, जस्ट मैसेज मी, आई विल सेंड यू लिंक इन कमेंट बॉक्स। और साथ साथ दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे पहले से ही सारे नोट्स डले हुए हैं तो वहाँ से भी जाके आप ले सकते हो। और बच्चे आपस में नोट्स शेयर कर रहे होते हो तो आप उनसे जुड़ोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट भी है कि आपस में आप डिस्कस कर सकते हो कई बार क्वेश्चंस आंसर, बहुत सारी चीज़ें, ठीक, किसी भी तरह का डाउट हो तो वहाँ पे हम सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑल्सो, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।